ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद कई लोग इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश का नाम दे रहे हैं। रईसी के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि अजरबैजान बॉर्डर के इलाके से लौटते समय राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के पायलट ने साथ चल रहे दो बाकी हेलीकॉप्टरों को घने बादलों से ऊपर उठने को कहा था। इसके कुछ सेकंड बाद ही ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। गोलम हुसैन इस्माइली साथ चल रहे बाकी हेलीकॉप्टरों में से एक में सवार थे। उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री और बाकी लोगों की दुर्घटना के तुरंत बाद ही मौत हो गई थी, लेकिन पूर्वी अजरबैजान प्रतिनिधि मोहम्मद अली आले हाशेम की कुछ घंटों तक सांसें चल रही थी। आले हाशेम ही वह शख्स थे जिनसे संपर्क हुआ था और दुर्घटना की सूचना मिली थी। हालांकि उनकी हालत ठीक नहीं थी। इस्माइली ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क के साथ बातचीत में ये जानकारी शेयर की। उन्होंने बातचीत में कहा कि जब हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी तो उस समय मौसम ठीक था, लेकिन लगभग 45 मिनट बाद राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने कहा कि वह घने बादलों से बचने के लिए ऊंचाई बढ़ाएंगे। साथ में चल रहे दोनों हेलीकॉप्टरों को भी ऐसा करने के निर्देश दिए गए। एक बार जब दोनों हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर जाने लगे तो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल हो गया। चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक बादलों के ऊपर उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही पायलट ने देखा कि बीच में चल रहा राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गायब है। उसने वापस लौटकर पता लगाने के लिए इलाके के कई चक्कर लगाए, हालांकि ठीक से कुछ ना दिखने की वजह से उन्हें अपना प्रयास छोड़ना पड़ा। उन्होंने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कई कोशिशें की। आपको बता दें कि भारत ने ईरान के साथ अपनी मजबूत दोस्ती की शानदार मिसाल पेश की है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद पहले 21 मई को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। उसके बाद अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुधवार को तेहरान भेज दिया गया। धनखड़ ने बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ साथ गहरा शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर से मुलाकात भी की। आपको यह खबर कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।